नमस्कार, सचिन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रोफेसर अशोक अरोड़ा, नेवालाल पासवानी। आज हम यहाँ पे उत्तम नगर में आए हैं, उत्तम नगर बीच मेट्रो स्टेशन के पास खड़े हैं हम यहाँ पे। यहाँ पर एक भारी समस्या ये आती है कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम की काफ़ी समस्या रहती है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे। दोनों तरफ से ट्रैफिक आता है, एक तरफ से नजफगढ़ की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है और एक दूसरी तिलक नगर की तरफ से वहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, और इसके लिए लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम कुछ लोगों से ही बात करना की कोशिश करेंगे कि क्या दिक्कत है। सर, अपना नाम बताइए। सर, नाम महेश है और यहाँ बहुत बात हो जाता है शाम के टाइम, सुबह के टाइम, हर वक्त। मतलब पूरी दिल्ली का सबसे बड़े जाम का केंद्र है, लोग रोड पार नहीं कर सकते हैं, बच्चों को, बुजुर्गों को, युवाओं को रोड पार करने में दिक्कत होती है। और गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ स्टेप उठाने चाहिए या कुछ छोटा ब्रिज बनाना चाहिए जिससे लोग रोड पार कर सकते हैं। बहुत दिक्कत की बात। और क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? सर, बहुत दिक्कतें हैं। पहले यहाँ तो रोड पार ही कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप दिखाइए, सुबह में इधर ये पूरा यहाँ पे जाम लगा रहता है। इस तरफ मैं कैमरा मैन को बोलता हूँ, इस तरफ आए और यहाँ पे ये अब ये बैरिकेड बीच में लगा दिया गया। पहले तो ये खुला हुआ था, खुला हुआ था। सर, बिजली जाम का इशू रहता है, लोग रोड पार नहीं कर सकते हैं। कई सोशल संगठनों ने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे बिजली करें, हर सुविधा हो, मगर ये जाम का केंद्र है। लोग डरते हैं, तुम्हें गटर नाल से यहाँ कुछ नहीं होता है। आपने कोई कंप्लेंट वगैरह किसी को? काफ़ी सामाजिक कह सकते हैं, लेटर वगैरह दिए हैं। किस को दिए आप? सी एम सर को दिए हैं, आगे भी दिए हैं, कहीं एम सी डी को दिए हैं। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो कह सकते हैं शराबी चढ़ाई, कुछ भी नहीं होता है। लोग बहुत परेशान है, दुखी है, ये नज़ारा आपको दिखी जा रहा है, इतना परेशानी। तो यहाँ पे ऊपर मेट्रो लाइन जा रही है, तो आप क्या सोचते हैं, क्या समाधान हो सकता है? यहाँ पे कुछ तो बन ही नहीं सकता, अगर सड़क पार करने की दिक्कत है कैसे हो सकता है? ये बात नहीं है, यहाँ पे छोटे छोटे रूट बनाए गए हैं, अभी भी है। आप सोलापुर में आपका मतलब सब्वे? हाँ, सब्वे बनाए हैं, एक छोटा सा ब्रिज बनाए हैं, हाँ जी, जिससे लोग आसानी से रूट पार करते हैं। छोटी बात में बना हुआ है मेट्रो स्टेशन के, कई जगह बना हुआ है, अच्छा काम हुआ है, मगर यहाँ नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए अभी भी ये दोपहर के 12:30 बजे का टाइम है और इतना ज़्यादा ट्रैफिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और ये ट्रैफिक वहाँ से उधर भी आ रहा है, और जो बसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे अब बीच में ये रास्ता बंद कर दिया गया है, बसेस यू टर्न लेके फिर यहाँ पे टर्मिनल के तरफ आती हैं। ये उत्तम नगर का टर्मिनल आप देख सकते हैं यहाँ पे, और टर्मिनल के साथ ही मेट्रो स्टेशन है। और अभी तो दोपहर का 12:30 बजे का टाइम है, और जब ये शाम हो जाएगी तो आप देख सकते हैं, जब सुबह का टाइम होगा तो यहाँ पे निकलना मुश्किल हो जाता है। और कई बार दुर्घटनाएं भी होती हैं यहाँ पे, दुर्घटनाएं जाम की समस्या, परेशान लोग दुर्घटनाएं भी देखते हैं। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार को उस पर कदम उठाने चाहिए, जिससे लोगों को ट्रैफिक खराब नहीं होता। बहुत बुरा हाल हो जाता है 4 बजे के बाद, तो बहुत बुरा। आप कहाँ रहते हैं? मैं उत्तम नगर ही रहता हूँ हमारा जी, उत्तम नगर रहते हैं। यहाँ से आना जाना होता है तो देखो बहुत क्या करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अच्छा हुआ आपने ये समस्या सामने लाई। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ी समस्या है। आगे हम जो रेड लाइट है वहाँ भी देखते हैं कि वहाँ क्या समस्या है। अब हम यहाँ पे उत्तम नगर जो चौक है वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ चौक पे जो हालात है इस समय दोपहर के 12:30 का टाइम है, यहाँ पे इतना ट्रैफिक आपको नज़र आ रहा है चौक पे। यहाँ पे सड़क पार करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। बसेस जो आती हैं इधर से, बसेस से आगे पंखा रोड की तरफ जा रही हैं, और जो हैं इधर जनकपुरी और तिलक नगर इस तरफ बसें जा रही हैं। तो यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो सड़क पार करने की समस्या यहाँ पे आती है। तो इसका कोई ना कोई समाधान होना चाहिए कि कैसे सड़क पार की जाए। हमारे साथ महेश भट्ट जी फिर हैं। महेश भट्ट जी, आपने बड़ी कोशिश की, आप एज ए समाज सेवक, आपने यहाँ की समस्या का कोई हल बताइए, क्या हो सकता है? कई सामाजिक संगठनों ने, मैंने कई बार ही लिखा है कि यह छोटा सा ब्रिज बनाया जाए, जैसे मोटी बात में धोलापुआ में कई जगह पे, जिससे लोगों को रोड पार करने में सहूलियत हो सके। अगर प्रशासन कोई कदम नहीं उठाता है, आप शाम को यहाँ जा ही नहीं सकते, चल ही नहीं सकते, इतना जाम यहाँ पे हो जाता है। कोई पॉलिसी बननी चाहिए जहाँ पे यहाँ पे सुधार हो, हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। अच्छा, जहाँ तो एक तो आपने डिमांड किया कि वहाँ पे एक
जो टर्मिनल के सामने है वहाँ पे अंडरपास होना चाहिए। सर अंडरपास तो देखिए या अंडरपास या पुल होना चाहिए, छोटा सा ब्रिज जैसे मोती बाग। यहाँ पे क्या डिमांड है आपकी, यहाँ पे यहाँ पे या यहाँ पे दोनों सिंगल लोकेशन है। हाँ जी, अगर एक छोटा सा पुल बन गया है हाँ, लोगों को रोड पार करने में सहूलियत होगी, बुजुर्ग जा सकते हैं, बच्चे जा सकते हैं, माताएं बहनें जा सकती हैं, बड़ी आसानी होगी। हाँ हाँ, अगर ब्रिज बने तो गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन यहाँ पे चौराहे में कैसे ब्रिज बन सकते हैं आप प्रैक्टिकली कैसे बन सकते हैं? जैसे मोती बाग में आप देखेंगे एक कोने से स्टार्ट हुआ है और दूसरे कोने में जाकर रुका है। एक कोने से स्टार्ट हुआ है फिर दूसरे कोने से जाकर रुका है, तो एक छोटा सा ब्रिज PWD MCD या जो भी अथॉरिटी आती है ये आप पैदल चलने वालों के लिए क्या है? यस पैदल चलने वाले। हाँ जी, उनका भी एक 20% उनका भी फर्क है, वो भी रोड पार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंजेस्टेड मामला हो रहा है जिससे रोड ब्रेक कर रहे हैं और जाम हो रहा है। ये भी एक बड़ी दिल्ली की जरूरत है, दुर्घटनाएं भी होती हैं। पैदल चलने वाले हैं, कोई ना कोई नीचे गाड़ी के नीचे आएगा या कहीं ना कहीं लगेगी इसको, दुर्घटनाएं भी होती हैं, काफ़ी समस्याएं आती है। आपके चैनल के माध्यम से ये मांग सरकार तक जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो व्यवस्था है ये अभी सुबह का टाइम नहीं है, शाम का टाइम नहीं है, तो इसलिए हम पूरी आपको ये बता नहीं सकते यहाँ पे क्या सिचुएशन होती है। तो किसी दिन सुबह या शाम को भी हम आएंगे और यहाँ देखेंगे कि क्या हालात है। तो अभी के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि यहाँ पे उत्तर नगर निवासियों के लिए जो समस्या है उसका कोई ना कोई समाधान निकाले और यहाँ पे एक लाइव और वगैरह का निर्माण किया जाए। सच न्यूज़ 24/7 से प्रदर्शन अशोक अरोड़ा निवल आदमी।